सिस्टम का ही तो रहना ही पड़ेगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर यार बात करेंगे काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में, तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलना। तो यार सबसे पहली न्यूज आ रही है अपने एलविश यादव के पापा की तरफ से। अब देखो यार, आप लोगों को पता होगा कि भाई ये बिग बॉस के घर के अंदर आए थे, जहाँ पे यार हमें मतलब अंकल जी का अलग ही स्टाइल देखने को मिला था, मतलब फुल सेवेज वाला मोड। अब देखो यार, बिग बॉस के घर के आने के बाद मतलब इनका क्या रिएक्शन था वो सबसे पहले आप देखिए। आपको मजा आया ना? आया, बहुत बढ़िया। घर कैसा लगा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एकदम बहुत बढ़िया। आपने ठंड लग रही थी, मैंने सुना था कि अच्छा तुम तो कम्बल हमारी ओढ़ दो। हाँ। सारी तो वहाँ भी वो वैनिटी में भी बंद करवा देते हैं। ना ना सही है, हमारे पास कहाँ है। आपको मजा आना चाहिए, बस मेन बात वो है। एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा ना? वही ऐसा है, बच्चे से मिल लिए, सारी टीम से मिले। हाँ, सब खुश थे देखा मैंने। हाँ सब खुश थे, मुझे तो लगा नहीं कुछ ऐसा। और खाने में क्या था? जो है वही है। तो यार अब बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज के बारे में। तो अपनी अगली न्यूज है अपने बिग बॉस से रिलेटेड। अब देखो यार, काफी सारे बंदे यही सोच रहे थे कि भाई फिनाले के अंदर कौन पहुंचेगा। अब देखो यार, वैसे मुझे पता है कि भाई टॉप टू में कौन होने वाले हैं। मेरे को क्या, वैसे सभी को पता है कि भाई यहाँ पे एलविश यादव और फुकरा इंसान टॉप टू में ही है। लेकिन यार अभी इन दोनों में से एक की भाई डायरेक्ट यहाँ पे फिनाले के अंदर एंट्री हो गई है। अब पूरा आखिर में सीन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई जब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स बिग बॉस के घर के अंदर आ रहे थे तो एक टास्क चल रहा था। अब टास्क मतलब यहाँ पे दो बंदे आखिर में जीते हैं, एक पूजा भट्ट और एक फुकरा इंसान। तो इन दोनों के बीच भाई यहाँ पे एक टास्क हुआ, अगर जो जीतेगा वो डायरेक्टली यहाँ पे फिनाले में चले जाएगा। अब आखिर में यार टास्क क्या था? टास्क में यार मतलब इन दोनों के पास एक एक बास्केट थी और बाकी के कंटेस्टेंट्स को यार यहाँ पे फ्रूट्स मिलने वाले थे। अब अपनी मतलब जिसको भी जो बंदा सपोर्ट करता है उसकी बास्केट के अंदर फ्रूट्स डालने हैं बाकी कंटेस्टेंट्स को। अब जिसकी बास्केट में ज्यादा यहाँ पे फ्रूट्स होंगे वो डायरेक्टली यार यहाँ पे फिनाले में चले जाएगा। अब आपको पता है कि भाई फुकरा इंसान को मतलब कितने बंदे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं घर के अंदर भी। एलविश यादव का सपोर्ट अकेले का काफी है फुकरा इंसान को जिताने के लिए, और यहाँ पे फुकरा इंसान जीत भी जाते हैं। अब देखो यार, मुझे पता है यार ये टास्क वगैरह अगर ना भी हो तो भी हमें पता है कि भाई फिनाले के अंदर हमें कौन देखने को मिलेगा। तो यार ये टास्क वगैरह मेरे हिसाब से बेकार ही था, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी भाई मेन मुद्दा तो ये है कि भाई एलविश यादव और फुकरा इंसान में से भाई जीतेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल यही होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई जीतेगा कौन, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इन दोनों के अलावा भी अगर किसी और कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हो तो भी कमेंट करके बताना मत भूलना। लेकिन फिलहाल के लिए तो भाई कुछ यही था आज की इस वाली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं यार किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।